କି ମସଜିଦରେ ଖୋଜିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏକ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବିଦ୍ୱେଷକାରୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ। କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ପୂଜାସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖୋଜିବା ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଓ ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ଜ୍ଞାନବାପୀ ମସଜିଦରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଗପୁରରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ସଂଘ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଗରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଗବତ। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭାରତକୁ ଇସଲାମ ଆଣିଥିଲେ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏକଥା ସତ, ଭାରତର ଇସଲାମ ଅନୁଗାମୀମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପ୍ରାଚୀନ ସନାତନ ଧର୍ମର ଋଷିମୁନି। ଆଜିର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଉଭୟଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମାନ। ଇସଲାମ ବାହାରୁ ଆସିଛି ସତ, ମାତ୍ର ମସଜିଦରେ ପୂଜା ହେଉ ଅଥବା କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଇସଲାମକୁ ମାନୁଥିବା ମସଜିଦରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭାରତ। ଇସଲାମ ବାହାର ସେ ଆୟା, ଆକ୍ରମକୋ କେ ହାଥ ଆୟା। ଉସ ଆକ୍ରମଣ ମେ ଭାରତ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଚାହନେ ୱାଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଓଁ କା ମନୋଧୈର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନେ କେ ଲିଏ ଦେବସ୍ଥାନ ତୋଡ଼େ ଗଏ, ହଜାରୋ ହେ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଜିନ ପରେ, ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜିନ କେ ବାରେ ମେ ଐସେ କୁଛ ହେ, ଉସକେ ବାରେ ମେ ମାମଲେ ଉଠତେ ହେ। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। काशी मथुरा ना नने श्री भागवत कहिचंती विदेशी आक्रमणकारी को द्वारा भंगा जायतिवा किछि प्रतीकात्मक श्रद्धा केंद्र प्रसंग रे आमे मत रखिचु। मात्र संविधान और न्याय व्यवस्था जे निर्णय देबो ताको आमे खोला मन रे मानि लेबा को प्रस्तुत हेबा जरूरी। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए, उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। मात्र ओवैसी का परी कट्टरपंथी मुसलमान खाली अयोध्या मथुरा नुहे, मुसलमान कर सब पूजा स्थल को छड़ाई नेबार षड़यंत्र करा जाउथिबार कही देशरे सांप्रदायिक विद्वेष सृष्टि करुथिबार अभियोग हेउछि। बाबरी मस्जिद को याद रखो, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञानवापी को भी छीन लिया जाए, मथुरा की ईदगाह को भी छीन लिया जाए, लखनऊ की टीली वाली मस्जिद को छीन लिया जाए, मुंबई की हाजी अली दरगाह, ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना, ये सब हो रहा है। जो लोग अभी तक सुबह से शाम तक आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी जी को पानी पी पी करके कोसते थे, ये उनके लिए आईना है। अब दिक्कत ये नहीं है कि जो आईना दिखाया गया है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आईना देखने के बजाय जो उनके चेहरे पे दाग लगा हुआ है उस दाग को साफ करने के बजाय आईने को साफ करते रहते हैं। और जो गुनाहों की आक्रमणकारियों के गुनाहों की गठरी है उसकी ना, उसका ना किसी को गवाह बनने की ज़रूरत है ना उसकी हिफाजत करने की ज़रूरत है। अब दिक्कत हो गई कि कुछ लोग जो है वो गुनाहों की गठरी पर फूलों का गुलदस्ता फेंकते रहते हैं कि साहब ये गुनाहों की गठरी बहुत अच्छी थी। मात्र मोहन भागवत का वक्तव्य भारतीय मुसलमान मानों को आश्वस्त करिबो बोली समस्ते आशावादी। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑर्गस्ट न्यूज़।